कार्यालय प्रभारी डॉक्टर लाल सिंह ने निदेशक को स्थानीय कार्यालय की कार्यप्रणाली और मौजूद सुविधाओं से अवगत कराया। निदेशक ने विभाग के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों से अपील की कि वे निष्ठा और लगन के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करें। अपने प्रवास के दौरान डॉक्टर परमजीत सिंह कैंबल बे का भी दौरा करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी पूर्णिया से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रशासन के पर्यटन निदेशालय की ओर से कल पोर्टब्लेयर के मरीना पार्क में सस्ता बाजार के अंतर्गत कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। चेतना संस्था के संयोजन में आयोजित इस कवि सम्मेलन में द्वीप समूह के जाने माने रचनाकारों ने काव्य पाठ किया। खुले मंच पर आयोजित इस कवि सम्मेलन का बाजार में आए लोगों ने आनंद लिया। पहली बार सस्ता बाजार के तहत कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन से पूर्व डेयरी फार्म योग प्रशिक्षण केंद्र के बच्चों ने योगाभ्यास का रोमांचक प्रदर्शन किया। कवि सम्मेलन के बाद नगर पालिका परिषद स्वच्छता अभियान दल ने नागरिकों को स्वच्छता में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। द्वीप समूह में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए कला और संस्कृति विभाग ने प्रत्येक माह में संगीत समारोह आयोजित करने का फैसला किया है। इसका मुख्य उद्देश्य शास्त्रीय और लोक संगीत के कलाकारों को मंच प्रदान करना है। ये संगीत समारोह पोर्टब्लेयर में आयोजित हुआ करेगा। इसके लिए कला और संस्कृति विभाग ने लोगों के सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस संदर्भ में कल राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल परिसर में कला एवं संस्कृति निदेशालय में शाम 4:30 बजे बैठक बुलाई गई है। इच्छुक संगीत कलाकार इस बैठक में उपस्थित होकर अपने सुझाव दे सकते हैं। हड्डे में पिछले शुक्रवार को पंचायती राज संस्थाओं और अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य ने मिलकर स्थानीय पार्क में सफाई अभियान चलाया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख जोगाराव के साथ गांव के अनेक लोगों ने सफाई कार्य में हिस्सा लिया।